बिसमीम्स अल्लाम डियर फ्रेंड्स दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन फ्राम चैप्टर नंबर फोर फर्टिलाइजेशन फ्राम डिवेलपमेंटल बायोलॉजी फॉर बी एस जोआलॉजी एंड एम एस जोलॉजी स्टूडेंट्स डियर फ्रेंड्स टॉपिक है हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबोलिज्म देखिए टाइटल को पहले समझिए एग मेटाबोलिज़म्स का मतलब कि जो एग सेल है

जो मैं होती है जब वो आपस में फ्यूज्ड होती हैं तो फ्यूज़ होने के नतीजे में क्या होता है कि जो एग होता है एग के अंदर कैल्शियम आइन का जो रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है यानी कि कैल्शियम आइन नंबर में क्या हो जाते हैं ज़्यादा हो जाते हैं जिसके नतीजे में एग के अंदर जो मेटाबोलिज्म रेट है वो क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा मेटाबोलिज्म एक्टिवेट होता है लेकिन वो एक बिल्कुल ऐसे ब्रीफ सी बात कह दी गई थी लेकिन अब आप देखोगे डिटेल के अंदर कि कैल्शियम के आयंस के बढ़ने से किस तरह से ये सारा मैकेनिज्म प्रोसीड करेगा तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहली चीज आपको चीज याद रखनी है कि एग एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है अच्छा इस टॉपिक को हम एक और नाम भी दे सकते हैं हम ये भी कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ कैल्शियम क्योंकि सारा जो मैकेनिज्म है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कैल्शियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसी वजह से आप इसको एक दूसरा नाम भी अगर देना चाहें तो हम इसको क्या कह सकते हैं हम कहेंगे दिस वन इज अ इफेक्ट ऑफ कैल्शियम कैल्शियम का क्या असर होता है एक्टिवेशन के प्रोसेस में इज दैट क्लियर चलिए जी अब हम जरा बात कर लेते हैं इसके बारे में कि एग एक एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स एग एक्टिवेशन का मतलब यह होता है कि तमाम मार्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंड मालिकुलर चेंजेस ठीक है कौन कौन सी चेंजेस मार फॉलोजिकल मार्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंड एंड, एंड मालिक्यूलर चेंजेस एंड मालिक्यूलर चेंजेस जो कि एग उसको हम क्या नाम दे देंगे डियर फ्रेंड्स हम उसको नाम देते हैं का. कि एग में जब ये तमाम चेंजेस आ जाएंगे हम उसको क्या नाम देंगे एग एक्टिवेशन का नाम देते हैं तो डियर फ्रेंड्स जो मैकेजमेशन है ना वो असल में आपको ये चीज याद रखनी है कि एग एक्टिवेशन जब होगा ना तो वो सारे का सारा जो मैकेनिज्म है वो कहां पर होगा जो साइटोप्लाज्म होगा ना एग का वहां पर हो रहा है तो मैकेनिज्म में पहली बात क्या करेंगे मैकेनिज्म में हम पहली बात यही करेंगे कि वहां पर जितनी भी चेंजेस आएंगे वो सारे के सारे चेंजेस कहां पर आएंगी दिस चेंजेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग और ये डियर फ्रेंड्स तब नहीं होने वाला यानी कि आप अगर ये सोच रहे हो कि एग के अंदर मेटाबॉलिक रेट तब स्टार्ट होगा जब स्पम सेल एक्सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा नहीं ये तब स्टार्ट नहीं होगा ये उससे पहले स्टार्ट हो जाएगा यानी कि जैसे स्पम आके एग के में के साथ अटैच होगा वहां पर कॉर्टिकल ग्रैनुलर रिएक्शन स्टार्ट होंगे उसी वक्त क्या होने वाला है कि ये सारा मैकेनिज्म जो साइटोप्लाज्म के अंदर चेंजेस है ना एग के साइटोप्लाज्म के अंदर चेंजेस उसी वक्त से स्टार्ट हो जाएंगे इज डॉट क्लियर तो ये चीज़ आप क्लियर कर लें कि एग के अंदर जब चेंजेस आ रही हैं एग के अंदर जो मेटाबॉलिकली रेट हाई हो रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि जो एग है उसका जो प्रो न्यूक्लियस है वो स्पम के प्रो न्यूक्लियस से कंबाइन हो चुका है यानी कि अभी स्पम और एग सेल आपस में कंप्लीटली फ्यूज नहीं हुए यानी कि विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आप ये कह सकते हैं न्यूक्लियाई ओके okay, क्योंकि हम असल में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सी अचन में पढ़ रहे हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर पढ़ रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स आपको ये चीज याद रखनी है कि होगा इस तरह से कि जो स्पम होता है वो जैसे ही एग के साथ आके मिलेगा ना वो असल में स्पर्म एक हार्मोन की तरह का काम करता है कि आप यही समझ लें कि जिस तरह से आ, आ, कोई केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हार्मोन की जरूरत होती है ना वो आगे पेगाम देता है केमिकल रिलीज करता है अभी आप काम स्टार्ट करिए इसी तरह से यहां पर जो की एग एक्टिवेशन के अंदर काम है ना वो किस तरह का है हार्मोन की तरह का काम होता है क्यों हार्मोन की तरह का काम है क्योंकि डियर फ्रेंड्स एक बहुत ही स्पीशी स्पेसिफिक रिएक्शन और स्पेशी स्पेसिफिक रिएक्शन ये होता है कि जब स्पम के ऊपर जो बाइंडिंग प्रोटीन होती है कौन सी प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है वो सिर्फ स्पीसी स्पेसिफिक होती है Is that clear? तो ये जो binding protein है जब की के मिलेगी? जी प्रोटीन के साथ यानी कि जो रिसेप्टर साइट्स होंगी एग के ऊपर वो कौन सी होंगी जी प्रोटीन वहां पर जाके क्या हो जाएगी अटैच हो जाएगी तो जैसे डियर फ्रेंड्स है ये जी प्रोटीन के साथ रिसेप्टर साइड के साथ जाके अटैच होगा इसके साथ <laughs> अटैच होते ही ये एक और इंजाइम को एक्टिवेट कर देगा और वो जो इंजाइम होगा उस इंजाइम का नेम होगा सर्किनेस इंजाइम ठीक है सरकीनेस क्योंकि एंड पे एज आ गया तो जाहिर सी बात क्या है ये एक इंजाइम है तो जी प्रोटीन जी प्रोटीन के बाद क्या एक्टिवेट कर दिया उसने इंजाइम इंजाइम को एक्टिवेट किया सर्किनेस और ये सर्कीनेज इंजाम क्या करेगा डियर फ्रेंड्स ये एक्टिवेट कर देगा फास्फोलाइपेस सी पीएलसी का मतलब क्या है फास्फो सी तो डियर फ्रेंड्स इसने फास्टो सी को एक्टिवेट कर दिया और फास्टो सी क्या करेगा डियर फ्रेंड्स वो दो जरूरी काम करने वाला है अब वो दो जरूरी काम कौन कौन से होंगे उनमें से डियर फ्रेंड्स एक जो जरूरी काम होगा वो ये होगा कि डियर फ्रेंड्स वो एक्टिवेट कर देगा आईपी को किसको एक्टिवेट करेगा आईपी थ्री को एक्टिवेट कर देगा अब आईपी थ्री क्या चीज होती है डियर फ्रेंड्स अगर हम आईपी थ्री की बात करते हैं तो आपको याद रखना चाहिए ट्राई फास्फेट ट्राई फास्फेट को हम क्या नाम देंगे हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ आई पी थ्री और ये जो आई पी थ्री होगा इसको एक्टिवेट करेगा पहले तो पी एल सी फिर उसके बाद ये जो फास्टफूड सी है ये एक्टिवेट कर देगा डी ए जी को डी ए जी स्टैंड फॉर डाई असाइल ग्लाइस्ट्रोल तो डाई असाइल ग्लाइसरोल जो कि इंटरनल मैसेंजर्स हैं उसको भी एक्टिवेट कर दिया आई थ्री जो कि डियर फ्रेंड्स एक चैनल को जाके ओपन करेगा जिससे कैल्शियम ने अंदर की जानब यानी कि एग के अंदर एंटर होना है बाहर वाले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये उसको जाके एक्टिवेट कर देगा एक बार दोबारा से मैकेजम देख लें स्पंप था स्म्प के ऊपर एक खास किस्म की प्रोटीन थी जो एग के ऊपर सेपरेट साइड पर जाकर अटैच हुई जैसे ही अटैच हुई उसने एक मैसेंजर एक्टिवेट किया जी प्रोटीन को जी प्रोटीन ने सरकी नेज इंजैन को एक्टिवेट किया उसने जाके एक्टिवेट किया फास्फो आईपीए सी को फास्फो आईपीएस सी ने दो इंपॉर्टेंट काम किए पहला उसने आई पी थ्री उन्नीसो टोल वन

वो कहां पर इंटर होने शुरू हो जाएंगे वो उस एक्सेल के अंदर एंटर होने शुरू हो जाएंगे जब ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे इज दैट क्लियर होप सो यहां तक आपको क्लियर हो गया तो डियर फ्रेंड्स जैसे ये पीएलसी ये दो काम करेगा ना तो डियर फ्रेंड्स कैल्शियम के जो आयंस होंगे वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और यानी कि एग का स्पर्म के साथ जैसी अटैचमेंट होगी अटैचमेंट के नतीजे में ना दो तरह के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा एग एक जो रिस्पॉस होगे उसको हम नाम दे देंगे अर्ली रिस्पॉसिस का डियर फ्रेंड्स अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है ना तो आप एज इज इसको ऐसे ही लिख दीजिए ठीक है यानी कि आप एद लिख सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप बुक से जाइए वहां से कम्प्लीटली प्रिपेयर करिए बस आप मेन मेन चीज़ों को पिक करिए जैसे कि जी प्रोटीन सर्किनेस पी एल सी इसका एब्लिवेशन क्या होता है काम क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब आप लिखोगे तो ये वाले जो प्रोटीन्स होंगे या मैसेंजर्स होंगे इनको आपने मेंशन लाजम कर देना है ताकि जो चेकर होगा उसको पता चल जाए इसको सभी इंटरनल मैसेंजर्स का पता है इज डॉट क्लियर तो पहला जो रिस्पांस होगा उसको हम क्या नाम देंगे उसको हम नाम दे देंगे अर्ली रिस्पॉस का अर्ली रिस्पॉन्स ऐसा रिस्पॉन्स दिए फ्रेंड्स जो स्पम जो स्पम की अटैच जो स्पम की एक्सेल के साथ अटैचमेंट के बाद चंद सेकेंड्स में स्टार्ट हो जाए यानी विद इन ही स्टार्ट हो जाए यानी जैसे ही कॉर्टिकल ग्रैनुलर रिएक्शन होगा उस के के साथ ही अंदर अगर वो कोई होगा तो हम उसको क्या नाम देंगे हम कहेंगे वो जो रिस्पॉन्स है उसका नाम क्या होगा अर्ली रिस्पॉन्स होगा इज डेट क्लियर तो डियर फ्रेंड्स जो अर्ली रिस्पॉन्स होते हैं ना इसके दो प्रोसीजर्स होते हैं और दो इसके काम होते हैं पहला आपको ये चीज याद रखनी है डियर फ्रेंड्स ये अर्ली रिस्पांस का मेन जो बुनियादी मकसद होता है ना पहला एग एक्टिवेशन बाद में आएगा लेकिन इसका जो पहला बुनियादी मकसद होगा वो क्या होगा डियर फ्रेंड्स पोली स्पर्मी से बचना ठीक है पोली स्पर्मी जो इससे भी पीछे वाला टॉपिक है वहां पर हमने बात की थी कि किस तरह से अगर एक से ज्यादा जो स्पर्म सेल है वो एग सेल को फर्टिलाइज कर देते हैं तो उसके नतीजे में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम वो एबनॉर्मल हो जाएंगे तो जब वो मजीद डिवाइड होंगे तो डिवीजन के नतीजे में किसी साल में क्रोमोसोम ज्यादा चले जाएंगे किसी में कम चले जाएंगे तो उससे बचने के लिए एबनॉर्मल एग से बचने के लिए फ्रेंड्स जो पुलिस परनी है इस स्टेट से बचने के लिए अर्ली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा इस डेट क्लियर तो अर्ली रिस्पॉन्स क्या करता है पुलिस परनी से बचने के लिए एक फास्ट ब्लॉक प्रोड्यूस करेगा और ये कैसे आ, स्टार्ट होता है फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि ये इनिशिएट होगा सोडियम इनफ्लक्स की वजह से इसकी वजह से सोडियम यानी कि सैम्पल क्या है नेट्रियम

अगर हम अर्ली रिस्पॉन्स या फास्ट ब्लॉक की बात करते हैं तो सोडियम इन्फ्लक्स का रोल है अगर आप स्लो ब्लॉक की बात करते हैं तो डियर फ्रेंड्स जो कैल्शियम का आयन है कैल्शियम आयन जो होता है वो स्लो ब्लॉक के अंदर क्या होता है

एग के अंदर ना कैल्शियम का आइंस बाहर से अंदर की जाने पर एंटर होता है चैनल्स के जरिए से तो जारी सी बात है बाहर से भी कैल्शियम अंदर जाने अंदर एंटर हो रहा है और दूसरी बात यह है कि जो एंडोप्लाज्मिक क्रेटिकॉलम है एग सेल के अंदर वहां से भी कैल्शियम रिलीज हो रहा है इन दोनों केसेस में क्या होता है कि डियर फ्रेंड्स एक कैल्शियम की जो वेव होती है ना वो पूरे एग में फैल जाती है जिसकी वजह से यह क्या होता है डियर फ्रेंड्स जो स्पर्म एग फ्यूजन होती है वो स्टार्ट हो जाती है और वो मेम्ब्रेन भी इनके गिर्द बन जाएगी जिसके नतीजे में जो पोलिसम है उसे बचा जा सकता है इज दैट क्लियर तो डियर फ्रेंड्स ये जो कैल्शियम आइन होता है ये असल में जो डिवेलपमेंट का प्रोसेस होता है ना डिवेलपमेंट का प्रोसेस या फिर आप ये कह लें कि जो डिवीजन होती है एक्स सेल की तो उस डिवेलपमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए किसका रोल होता है हम कहेंगे डिवेलपमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कैल्शियम आइंस का रोल होता है इज नॉट क्लियर तो डियर फ्रेंड्स जैसा कि अगर हम स्नेल्स की बात करें या वम्स की बात करें एक आखिरी चीज आपको क्लियर करवा दूँ अगर आप स्नेल्स की बात कर रहे हैं या वम्स की बात कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है कि जो कैल्शियम के आइंस होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मूव करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट में लेकिन अगर डियर फ्रेंड्स हम बात कर लेना मैमल्स की बात कर लेते हैं या फिर अगर हम फ्रॉग्स की बात कर लेते हैं तो डियर फ्रेंड्स मेन चीज़ मैमल्स की अगर हम बात करें तो मैमल्स के अंदर जो मैकनिजम होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि मैमल्स में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है इसका मतलब ये है कि वहां पर जो कैल्शियम का आइन होगा वो कहाँ से रिलीज होगा एंडोप्लाजमिक रेटिकॉलम से रिलीज होगा ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केसेज आप याद रखिए कि यहाँ पर जो कैल्शियम के आइन्स होंगे उसके नंबर इस तरह से इंक्रीज हो जाएंगे समझ में आ गई बात अब हम बात करते हैं ये जो कैल्शियम का है, ये किस तरह से जो इंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है तो पहली बात ये कैल्शियम का क्या करेगा, ये एक्टिवेट एक करेगा एक इंजाइम को और वो जो इंजाइम होगा उस इंजाइम का देगा एक्टिवेट कर देगा अब ये एन काइनेज क्या करने वाला है डियर फ्रेंड्स कैल्शियम क्या करते हैं कैल्शियम जो आयन होता है ना वो इस एनएडी को कन्वर्ट कर देता है एनएडीपी के अंदर एनए जो डी होता है डियर फ्रेंड्स उसको किस में चेंज कर देता है ये उसको कन्वर्ट कर देता है एन ए डी पी पॉजिटिव के अंदर क्या कर देता है डियर फ्रेंड्स उसको कन्वर्ट कर देता है और ये जो चेंज होती है डियर फ्रेंड्स ये असल में जरूरी होती है लिपिड के मेटाबॉलिजम्स के लिए किसके लिए के मेटाबोलिज्म के लिए या फिर आप दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि ये इनडायरेक्टली तौर पर जो सेल का मेटाबोलिज्म है उसमें भी रोल प्ले करता है फॉर एग्जाम्पल जब सेल मेटाबोलिज्म का मतलब आ, सेल डिवीजन सॉरी सेल डिवीजन में भी देखे जब डिवीजन होगी तो सेल डिवीजन में डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि जब क्लीवेज का प्रोसेस होता है सपोज दैट ये एक सेल है इस एक सेल को जब दो सेल में डिवाइड होना जारी सी बात है जब एम्ब्रियो जो है वो बन जाएगा वो डिवाइड होगा क्लीवेजिस होंगे उसके अंदर तो उसके नतीजे में एक साल को दो साल में डिवाइड होना पड़ेगा जब एक साल को दो साल में डिवाइड होना पड़ेगा तो जारी सी बात है डियर फ्रेंड्स प्लाज्मा इम भी रिक्वायर्ड होगी और बाकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो भी रिक्वायर्ड होंगी तो अब ये जो प्लाज्मा ब्रेन और जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं इनकी अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो डियर फ्रेंड्स इनकी जो कंपोजिशन होती है कंपोजिशन में किसका रोल होता है ये लिपिड्स मौजूद होते हैं तो इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो जो एन ए डी पी है जो कि लिपिड मेटाबलिज्म में इन्वॉल्व है ये इनडायरेक्टली तौर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फॉर्मेशन है उसमें इन्वॉल्व होता है यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो क्लीवेज का प्रोसेस होता है डेवलपमेंट में उसके अंदर भी क्या होता है ये इन्वॉल्व होता है इसी वजह से ये जो कैल्शियम आइन है वो इस इंजाइन को क्या कर देगा सबसे पहले जाके एक्टिवेट कर देगा ताकि मजीद जो आगे वाले रिएक्शन है उनको प्रोसीड किया जा सके डियर फ्रेंड्स ये हो स्टाफ। स्टाफ। स्टाफ ये होगा पहला स्टेप स्टेप इसका होता है कि ये क्या करेगा डियर फ्रेंड्स ऑक्सीजन के यूज को बढ़ा देगा समझ में ये बात कैल्शियम ने फिर क्या किया कैल्शियम ने ऑक्सीजन का जो यूज है ऑक्सीजन यूज इनक्रीज कर दिया ऑक्सीजन यूज इनक्रीज इसने कर दिया इसको एक बार देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स अगर हम दूसरे इफेक्ट की बात करते हैं कैल्शियम के तो वो आपने कहना है कि ये क्या करेगा सेल के अंदर जो ऑक्सीजन की कंजप्शन है ना इस्तेमाल है उस कंजप्शन को क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा और ये असल में क्या करेगा डियर फ्रेंड्स ये ऑक्सीजन की रिडक्शन करेगा और इसको चेंज करेगा ऑक्सीजन की आपने कहना है ये कंजप्शन इंक्रीज हो गई और एक्चुअल में डियर फ्रेंड्स ये ऑक्सीजन की क्या करेगा रिडक्शन करेगा और रिडक्शन के नतीजे में ये ऑक्सीजन को किस में चेंज कर देगा इट कन्वर्ट्स द ऑक्सीजन इनटू द हाइड्रोजन पारऑक्साइड किसमें चेंज कर दे इसने इसने इसको चेंज कर दिया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर डियर फ्रेंड्स इसने क्या कर दिया इसको चेंज कर दिया अब डियर फ्रेंड्स ये मैकेनिज्म जो होता है ये जो हो रही होती है उसी वक्त होता है इज दैट क्लियर ये चीज याद रखना कि ऑक्सीजन की जो कंजन है ये क्लीवेजिज के दौरान स्टार्ट नहीं होगी ये ऑक्सीजन की जो कंजन में इंक्रीजमेंट है ये तभी स्टार्ट हो जाएगा जब फर्टिलाइजेशन हो रही होगी

इज नॉट क्लियर ओके ओके डियर फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की डियर फ्रेंड्स तीसरा स्टेप होता है ये एग प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होता है ये सारे के सारे हम अर्ली रिस्पॉन्स पढ़ रहे हैं अभी ये जितने भी रिस्पॉन्स हमने पढ़े हैं ये सारे कौन से रिस्पॉन्ज हैं अर्ली रिस्पॉन्स होंगे अभी लेट रिस्पॉन्स जो है वो आएंगे ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट है ओके okay जी डियर फ्रेंड्स एग एक्टिवेशन क्या होता है जो हमारे पास एन ए डी पी एच होते हैं ना डियर फ्रेंड्स एन ए डी पी एच अब ये जो एन ए डी पी एच है ये कहाँ से आया ये डियर फ्रेंड्स असल में ये इन्वॉल्व होता है ऑक्सीजन की रिडक्शन करवाने के लिए हमने कहा ना कि ऑक्सीजन की रिडक्शन होगी तो ऑक्सीजन की रिडक्शन करवाने के लिए जो इंजाइम आपके पास मौजूद होगा उसको हम क्या नाम देंगे उसको हम नाम देते हैं एन ए डी पी एच एक तो ये ऑक्सीजन की रिडक्शन करवाता है दूसरी चीज डियर फ्रेंड्स ये ना रीजनरेशन में भी इन्वॉल्व होता है किस चीज की रीजनरेशन में ग्लूटाथायोन ग्लूटा जी एल यू टी ए थाय टी एच आई ओ एन ग्लूटाथायोन इसकी रीजनरेशन में और दूसरी चीज डियर फ्रेंड्स ये इन्वॉल्व होता है ओवो ओवो थायोल्स ओवो ग्लोटा एंड ओवो की जो रीजनरेशन है उसमें इन्वॉल्व होता है और ये असल में क्या होते हैं डियर फ्रेंड्स ये स्क्वेंजर्स होते हैं या फिर आप ये कह लें ये स्क्वेंजर्स होंगे फ्री रेडिकल्स के दीज आर द स्क्वेंजर्स के वेंजर्स ऑफ फ्री रेडिकल स्क्वेंजर्स ऑफ फ्री रेडिकल अब डियर फ्रेंड्स ये असल में किस लिए होता है असल में ना ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं फ्री रेडिकल्स डीएनए को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जेनेटिक मेकअप को क्या कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए तो डेवलपमेंट को अगर नॉर्मल करना है तो डीएनए को डिस्ट्रक्शन से बचाना होगा अगर डीएनए एन को डिस्ट्रक्शन से बचाना है फ्री रेडिकल से तो फ्री रेडिकल को खत्म करने के लिए भी कुछ चाहिए तो फ्री रेडिकल को खत्म करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे ग्लूटोथाओनस एंड ओवो थाइल्स इस्तेमाल करेंगे और इनको कौन रीजनरेट करेगा एन ए डी एच जिसका पहला काम क्या था जिसका पहला काम था डियर फ्रेंड्स ऑक्सीजन की रिडक्शन करवाना हाइड्रोजन पारोक्साइड्स के अंदर इज क्लियर तो ये इसके दो काम आ गए हमारे पास ओके okay, ये डियर फ्रेंड्स हमारे पास आगे सारे के सारे अर्ली रिस्पॉन्स अर्ली रिस्पॉस में आपने याद रखना है कि जो स्पर्म एग बाइंडिंग होती है वो बहुत जल्द हो जाएगी जीरो सेकंड्स के अंदर हो जाएगी उसके बाद डियर फ्रेंड्स जो फास्ट ब्लॉक होगा वो हमारे पास कैसे होगा यानी कि जो अर्ली रिस्पॉन्स होगा ये फास्ट ब्लॉक होगा ये एक सेकंड के अंदर हो जाएगा उसके बाद स्पर्म और एग में ब्रिंग की जो फ्यूजन होगी वो भी एक सेकंड के अंदर हो जाएगी कैल्शियम आइन जो कि इन दो परपजेस यानी कि एंडोप्लाजमिक्रेटिकलम और आईपी चैनल्स के जरिए से अंदर आएंगे उस कैल्शियम आइन के नंबर्स को बढ़ने के लिए दस सेकंड से लग सकते हैं और जो कार्टिकल जो एक्सोट परमिट से बचने का जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस से बचने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा वो हमें तकरीबन पंद्रह सेकंड के बाद साठ सेकंड के बीच बीच यानी कि पैंतालीस सेकंड को टोटल चाहिए होंगे उसके लिए ये होगा हमारा कौन सा रिस्पॉन्स अर्ली रिस्पॉन्स अब हम स्टार्ट करते हैं लेट रिस्पॉन्स इन द एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबोलिज्म डियर फ्रेंड्स लेट रिस्पॉन्स का मतलब ऐसे रिस्पॉन्स जो एक मिनट के बाद स्टार्ट होंगे एग के अंदर जब हम फ्यूज हो चुका होगा एक्सेल के साथ तो हमने जैसा कि पढ़ा कि पहले एक सोडियम इनफ्लक्स होगा उसके बाद हमने कहा कि कैल्शियम जो है वो भी अंदर के जानी मूव करना शुरू कर देगा या फिर उसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा अब उसके नतीजे में कुछ पीछे हमने अर्ली रिस्पॉन्स के अंदर मैकेानाज़म्स पढ़े हैं यानी कि ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ गई थी उसके बाद डीएनए को डिजनरेट होने से लिए डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए एंड ओवोथायोल्स एक्टिवेट हो गया था अब यहाँ हाइड्रोजन आइन को क्या नाम देते हैं पी एच का नाम देते हैं यानी कि डियर फ्रेंड्स अब जो सेल के अंदर वाला मीडियम है ना उसकी जो पी एच हो गई सी अर्चन की वो क्या हो गई है वो इंक्रीज हो गई है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लिखेंगे हम कहेंगे कैल्शियम आयन का लेवल जैसे ही एक सेल के अंदर बढ़ता है तो उसके नतीजे में जो पी एच होती है वो क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है अब पी एच इंक्रीज होने की जो मेन रीजन है ना उनमें पहले आप ऐड कर लें कैल्शियम आयन ठीक है और दूसरी जो चीज आप ऐड करोगे वो कहोगे इनफ्लक्स ऑफ सोडियम एक तो वो हो गया और दूसरी क्या होती है इनफ्लक्स ऑफ सोडियम ये हो गया और तीसरी चीज डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हाइड्रोजन के आइन्स होते हैं ना देखिए कैल्शियम बाहर से अंदर आ रहा है सोडियम क्या अभी बाइट से अंदर एंटर हो रहा है लेकिन जो हाइड्रोजन है वो कहां पे मूव कर रहे हैं हाइड्रोजन के आइन्स मूव्स आउटसाइड हाइड्रोजन आइंस मूव्स आउटसाइड हाइड्रोजन आइन बाहर मूव कर रहे हैं तो जारी सी बात है अगर हाइड्रोजन के आइन की कमी हो जाती है तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स जो पीएच स्केल है वो हमें यही तो बताता है पीएच स्केल जो होता है वो हमारे पास डियर फ्रेंड्स सेवन से लेके इस तरफ मूव करते हैं वन तक और इधर से फिर वो मूव करके जाता है फोर्टीन तक अगर तो जो हाइड्रोजन के हैं वो ज्यादा होंगे तो पीएच जो होगी वो कम होते चले जाएगी हाइड्रोजन आइन अगर क्या होंगे ज्यादा होंगे लेकिन अगर हाइड्रोजन के आइंस कम हो रहे हैं तो पीएच क्या होगी लेस होने के बजाय सेवन से ऊपर इंक्रीज होती जाएगी ठीक है तो यहां पर उसने क्या कहा उसने ये कहा कि जो पीएच होगी वो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स पी इंक्रीज होगी पी एच इक्रीज की हुई क्योंकि कैल्शियम अंदर आ गया सोडियम अंदर आ गया लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने इसकी पीएच को इंक्रीज करने में हेल्प की वो था हाइड्रोजन का बाहर जाना क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन बाहर जाएंगे हाइड्रोजन की कमी हो गई हाइड्रोजन की कमी हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि डियर फ्रेंड्स उसकी जो पीएच है वो क्या हो गई इंक्रीज हो गई तो पहला स्टेप हम ये कहेगा कि पी का लेवल क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा किस वजह से इंक्रीज हो जाएगा तीन मेन फैक्टर्स होंगे कैल्शियम सोडियम एंड हाइड्रोजन आइन ये होगा हमारा पहला स्टेप अब दूसरा स्टेप होता है डियर फ्रेंड्स एक्टिवेशन ऑफ डी एन ए सेंथसिस एंड द प्रोटीन सेंसिस एक्टिवेशन ऑफ डी एन एंड प्रोटीन सेंथसिस ये आगे दूसरा mechanism, दूसरा स्टेप अब डियर फ्रेंड्स होता इस तरह से है कि जो एग होता है ना जितनी देर तक ये फ्यूजन का प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक ना ये डी एन ए जो होता है इसकी रेप्लीकेशन भी नहीं होती इसकी रेप्लीकेशन क्यों नहीं होती डियर फ्रेंड्स क्योंकि एक इंजाई मौजूद होता है उस इंज़ैम का नाम क्या होता तो है उस इंजाइम का नेम आपको याद रखना है पूरा स्टेप आपको उस, उस एक इंजाइम पर डिपेंड करता है उसका नाम होगा एम ए टी काइनेस बस इस पूरे स्टेप में आपको ये चीज याद रखनी है एम ए टी काइनेस अब ये जो एम ए टी काइनेस होता है ना इस एम ए टी काइनेस एक्टिवेट होता है उस सेल के अंदर जहां पर डीएनए की रेप्लिकेशन की जरूरत नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि जब तक कैल्शियम का आयन उसमें नहीं था कैल्शियम के आयन की कमी थी तब तक एम ए टी काइनेस एक्टिवेट था लेकिन जैसे ही कैल्शियम का आयन आया कैल्शियम का आयन क्या करेगा आके इस एम ए टी का को कर देगा इनएक्टिवेट कर देगा इन एक्टिवेट कर देगा जब ये इसको इनएक्टिवेट करेगा उसके नतीजे में डियर फ्रेंड्स क्या होगा कि ये जो एम ए टी का है जब ये इनएक्टिवेट हो गया तो डीएनए की जो रेप्लीकेशन है वो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि डीएनए की रेप्लीकेशन में जो इनहिबिटर का रोल प्ले कर रहा था वो यही था इज दैट क्लियर तो इस चीज को इनएक्टिवेट करने में किसका रोल है हम कहेंगे कैल्शियम आयन का रोल होगा जैसा कि पीछे हमने पढ़ा कि कैल्शिमाइन किस तरह से अर्ली रिस्पॉसिस में इन्वॉल्व है इसी तरह से ये लेट रिस्पॉन्स के अंदर भी इन्वॉल्व होगा अब डियर फ्रेंड्स दूसरा हमने स्टेप क्या लिखा था प्रोटीन सेंसेस अब डियर फ्रेंड्स अगर आपके जेहन में ये बात चल रही है ना कि प्रोटीन सेंसिस के लिए क्या चाहिए होता है मैसेंजर आर एन चाहिए होता है क्योंकि मैसेंजर आने के ऊपर इफॉर्मेशन होती है और जो मैसेंजर आर एने होता है वो कहाँ से बनता है वो डीएनए से बनता है तो डियर फ्रेंड्स अगर आपके जेहन में ये बात चल रही है ना कि रेप्लीकेशन होगी उसके बाद डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन होगी फिर वो जो आरएनए होगा वो आरएनए आएगा उस आरएनए से प्रोटीन बनेगी इस तरह से मैकेनिज्म प्रोसीड होगा तो मैं कहूँगा डियर फ्रेंड्स ये जो मैकेनिज्म आप सोच रहे हैं ये गलत है क्यों क्योंकि डियर फ्रेंड्स जैसे डी एन की कर स्टार्ट होगी उसके साथ साथ प्रोटीन की सेंसिज भी स्टार्ट हो जाएगी क्यों क्योंकि जो मैसेंजर आर होंगे डियर फ्रेंड्स जो एग सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है एक्सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है उन्हीं मैसेंजर आर एन ए को डियर फ्रेंड्स इस्तेमाल इस्तेमाल किया जाएगा और इस्तेमाल करने के बाद डियर फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोटीन के सेंसेस हो जाएगी किस किस तरह के प्रोटीन के सेंसिस हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल अगर हम डियर फ्रेंड्स डी एन ए की बात करते हैं तो डी एन ए के लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है फार्मेशन के लिए जो कि उसकी कंपोजिशन में होता है जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन तो हिस्टोन प्रोटीन बन जाती है उसके अलावा डियर फ्रेंड्स अगर हम टब्यूलन की बात कर लेते हैं टिब्यूलन प्रोटीन अगर आपको याद हो तो ये जो सेल का स्केलेटन होता है माइक्रो टिब्यूल्स तो टिब्यूलन प्रोटीन्स इसी तरह से माइक्रोफिलामेंट जो एक्टिव प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं या फिर डियर फ्रेंड्स इसके अलावा कुछ और के फॉर्म में बनती हैं जिसको हम क्या नाम देंगे मार्फो मार्फोजीनेटिक फैक्टर्स का नाम देते हैं मार्फो मार्फोजिनेटिक फैक्टर्स एक मैं आपको सिंपल जैसा कि डियर फ्रेंड्स हमारे पास एफ ठीक है माइट्रोस प्रमोटिंग फैक्टर इट इज ऑल्सो मार्फोजिनेटिक फैक्टर तो इस तरह के जितने भी फैक्टर्स होंगे इन फैक्टर्स को बनाने के लिए ये सारा मैकेजम यहाँ पर हो जाएगा तो ये आगे स्टेप नंबर सेकंड अब तीसरा जो स्टेप होता है डियर फ्रेंड्स वो है इन एक्टिवेशन ऑफ इनहिबिटर्स इन एक्टिव

मौजूद होते हैं जिस तरह से डी एन एप्लीकेशन के इनहबिटर्स नाटिकाइन इसी तरह से जो ट्रांसक्रिप्शन डियर फ्रेंड्स ट्रांसक्रिप्शन के भी इनबिटर्स मौजूद होते हैं <coughs> जिसके नतीजे में डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि आपके पास एक प्रोटीन होती है जिसको हम क्या कहते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर रही होती है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को क्या करती है इनहेबिटर करती है उसको हम कहते हैं मास्किन फैक्टर मास्किन प्रोटीन कह लें या मास्किन फैक्टर कह दें तो ये जो मास्किन फैक्टर होता है ये असल में जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है ना डियर फ्रेंड्स ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा होता है जो अन एग होता है अनफर्टिलाइज का जो ओ साइट होता है उसमें इनहिबिशन का, का काम करता है अब होगा इसी तरह से डियर फ्रेंड्स ये जो इनहिबिटर होता है ये क्या करता है ये ट्रांसलेशन जो इनिशिएशन फैक्टर है किस चीज के साथ इनहिबिटर मास्किंग फैक्टर विद विद द द ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर होता है ई आई एफ जर आर एन एनि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए भी इनहिबिटर्स है उन इनहिबिटर्स को मास्क कौन कर रहा है मास्किंग फैक्टर क्योंकि मास्किंग फैक्टर इसलिए क्योंकि जो मैसेंजर आर एन ए है उसके जो फाइव एंड एंड वाली साइड होती है वहां पर डियर फ्रेंड्स ये जो हमारे पास <coughs> ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर है इसकी जगह पर यह मास्किन जाके अटैच हो जाता है जिसकी वजह से वो उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा रोक देता है प्रिवेंट करता है छुपा देता है यहाँ तक बात क्लियर हो गई और डियर फ्रेंड्स जैसे ही हमारे पास ये uh, कैल्शियम का आयन जो होगा वो बढ़ेगा उसका नतीजे में क्या होगा डियर फ्रेंड्स ये जो मैसेंजर आर एन ए होगा ये क्या होने वाला है कि यहाँ से ये जो मास्किन फैक्टर होगा ये रिमूव हो जाएगा जिसके नतीजे में हमारे पास ट्रांसलेशन प्रमोटिंग फैक्टर जो होगा वो अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा और देन हम क्या कहेंगे देन हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा लेकिन एक आखिरी चीज़ आपको बता दें कि ये जो इनहिबिटर है जो कि यहाँ पर हमने जिक्र किया मास्किंग फैक्टर का ये किस तरह से इनएक्टिवेट होता है तो हम कहेंगे इस इनहिबिटर की फास्टफो कर दी जाएगी इनहिबिटर की क्या की जाएगी फास्ट की जाएगी फास्ट जब हम करेंगे उसका नतीजे में ये इनहिबिटर टूट जाएगा फास्फो फो के नतीजे में जो इनहिबिटर होगा डियर फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा इज दैट क्लियर अब एक आखिरी स्टेप वो है हमारे पास डियर फ्रेंड्स ट्रिबेज का स्टार्ट होना यानी कि माइटोसिस का स्टार्ट होना यानी कि रिस्टोरिंग ऑफ माइटोसिस रिस्टोरिंग ऑफ माइटोसिस डियर एक आखिरी स्टेप है लेट में यहां पर क्या होगा एक प्रोटीन जिसका नाम है हो जब ये सी डी के वन साइक्लिन के साथ जाके अटैच हो जाएगी उसके नतीजे में डियर फ्रेंड्स क्या होगा एक फैक्टर बनेगा और वो जो फैक्टर होगा जो फैक्टर जनरेट होगा उस फैक्टर को हम क्या नाम देंगे हम कहेंगे जिसका हमने ऊपर मार्फोजेनेटिक फैक्टर में जिक्र किया था मैंने आपको बताया भी था मैंने कहा था। mitosis promoting. Mitosis promoting का नाम दे देंगे वो क्या कर देगा एक्टिवेट कर देगा जो कर Celdvian, कि डियर फ्रेंड्स क्या करेगा डिवीजन को स्टार्ट कर देगा वो तमाम रिस्पोंसेस हैं जो प्रोड्यूस होंगे अंदर एग uh, मेटाबोलिज्म जब हो जाएगा तो अर्ली रिस्पोंसेस भी और लेट रिस्पोंसेस भी होप सो so, आपको यहाँ तक जितना भी हमने चीज़ें पढ़ ली हैं वो सारी के सारी क्लियर हो चुकी हैं तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपने सिर्फ यही चीज़ें लिखनी है स्टे कनेक्टेड एंड अला हाफिज़